नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुख्य आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। उम्मीद है कि एक बार फिर बॉलीवुड हीरोइन और सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ड्रग मामले में फंसे रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 82 दिन बाद ड्रग्स कनेक्शन में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल सुबह शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड डाली थी, फिर दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी अपने साथ ले गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में आज पेश करेगी, फिर रिमांड पर लेकर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एनसीबी दोनों को वो सारी चैट भी दिखाएगी जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है। यानी अब ये मामला एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि ये सारी जांच अब रिया चक्रवर्ती की तरफ बढ़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। मामले की जांच के सिलसिले में प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और अभिनेता सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर एनसीबी ने शुक्रवार को छापेमारी की। दोनों को पूछताछ के लिए तलब भी किया गया। मुंबई की अदालत ने शुक्रवार को परिहार को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। एनसीबी ने बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी और जैद विलात्रा से पूछताछ के आधार पर परिहार को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिटीपोस्टलाइव.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।